नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो गई है और आते जाते, सोते जागते, खाते पीते मोबाइल का प्रयोग करने लगी। अगर उनके पास से मोबाइल एक घंटे के लिए हटा लो तो लगता है कि उनका कोई कीमती सामान छूट गया है और वो काफी बेचैन हो जाते हैं। इसी मोबाइल की सबसे कीमती चीज की अगर बात करें तो जो अहम चीज है वो है बैटरी, क्योंकि हम दिन रात मोबाइल को यूज करते हैं, इसीलिए मोबाइल की बैटरी कभी भी समाप्त हो जाती है। आज की डेट में हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसको हम पैसा मोबाइल से ही देते हैं, और चाहे वो कितना भी छोटा सामान क्यों ना हो, सबसे पहले हम पूछते हैं कि मोबाइल से पे कर दे। इसके साथ ही साथ जब जनता इतनी हाईटेक हो रही है तो सरकार भला क्यों पीछे रहती है? क्योंकि सरकार तो जनता ने ही बनाई है, इसीलिए सरकार भी स्टेशनों, एयरपोर्ट्स, सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग सेंटर, टॉयलेट के साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट लगा रही है। आप जाते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और फिर शान से निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे थे वहां पर कोई आपके मोबाइल से आपका डेटा चुरा रहा था? जी हाँ, सार्वजनिक स्थल पर ये USB पोर्ट आपकी निजता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन सार्वजनिक पोर्ट पर खतरनाक साइबर अपराधियों की नजर है और आपके डेटा को चुराकर आपको नुकसान पहुंचाने की जुगत में बैठे हैं। इससे बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां USB डेटा ब्लॉकर लेकर आई है, जिन्हें USB कॉन्डम का नाम दिया गया है। ये कॉन्डम वास्तविक कॉन्डम की तरह लेटेक्स के नहीं होते, लेकिन ये आपको आपके मोबाइल को अनवांटेड चीजों, वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको जूस जैकिंग से बचाते हैं। जूस जैकिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो आपकी निजी जानकारी को साइबर अपराधी तक पहुंचा देता है। इसे लेकर अमेरिकी कंपनी ने नवंबर में चेतावनी दी थी। अब यहाँ पर एक बात बताते चले कि USB कॉन्डम छोटे अडैप्टर की तरह होते हैं, जिनमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये अडैप्टर मोबाइल को पावर सप्लाई तो करता है, लेकिन डेटा एक्सचेंज सप्लाई को पूरी तरह रोक देता है। USB कॉन्डम अमेरिका में $10 में मिल रहे हैं। इस अडैप्टर को इस तरह बनाया गया है कि इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यही USB कॉन्डम भारत में 500 से 1000 रुपए में मिल रहे हैं। ल्यूक की माने तो इस तरह के साइबर हमले काफी खतरनाक होते हैं और काफी दुखदायी होते हैं। ल्यूक की माने तो एक फ्री कॉलिंग आपको कंगाल बना सकती है और आप महल से सड़क पर आ सकते हैं। इसीलिए कंपनियां लोगों को जागरूक कर रही है और कह रही है कि आप ऐसे सार्वजनिक जगहों पर अपने मोबाइल को चार्ज ना करें, और अगर करना है तो सुरक्षित रिचार्ज है और USB कॉन्डम के साथ करें। तो अब आप समझ चुके होंगे कि USB कॉन्डम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सावधान रहें, सजग रहें और ऐसे USB पोर्ट को यूज ना करें, नहीं तो आप भी महल से सड़क पर आ सकते हैं।